गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम राजन तिवारी एंड इट्स योर चैनल एड्यूसर्व थिंक फॉरवर्ड। और आज मैं एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जो 12 बिहार बोर्ड के लिए भी है और 10 सीबीएसई बोर्ड में भी है। मतलब ये जो चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, वो 12 बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में है और 10 सीबीएसई बोर्ड में भी ये चैप्टर है। हालांकि सीबीएसई वाले किताब में थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर है कहीं कहीं, लेकिन ये चैप्टर दोनों ही क्लासेज में है तो ये दोनों लोगों के लिए मीन्स इम्पोर्टेंट होगा, 10th सीबीएसई के लिए और बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए। तो चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, शादी का एक प्रस्ताव, जो कि एक ड्रामा है, एक नाटक है और जिसे एंटोन चेखोव ने लिखा हुआ है, रूस के लेखक हैं। थोड़ा सा लेखक परिचय पे ध्यान देंगे। एंटोन चेखोव 1860-1904, 1860 में जन्म हुआ, 1904 में मृत्यु हुई, 44 साल ही जी सके हैं। ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये रूस के ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे, छोटी कहानियों के लेखक थे और पेशे से ये क्या थे, डॉक्टर थे। ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेज। कॉमिक स्केचेज हास्य नाटिकाएं, तो उन्होंने अपना जो साहित्यिक कैरियर है, लिटरेरी कैरियर है, वो शुरू किया हास्य नाटिकाएं लिखते हुए। ही लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार्स और एम्परर्स। वो ऐसे रूस में रहते थे, वो उस समय के रूस में रहते थे जब वहाँ पे जार्स का शासन था या सम्राटों का शासन था, मतलब उस समय रूस के सम्राटों को जार कहा जाता था। हिज वर्क्स प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द रसिया ऑफ हिज डे। उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो उस समय के रूस की सटीक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। और उसके बाद दे ऑल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशंस। एक्सप्लोर का सेंस आप ले सकते हैं अध्ययन करना, है ना। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो मानवीय भावनाओं की गहराई को का भी अध्ययन करती हैं। चेखो इंट्रोड्यूस टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल। और चेखो ने मंच से परिचय कराया, किसका परिचय कराया, आम लोगों की जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स थी, वास्तविक समस्याएं थी, उनसे परिचय कराया। हिज वर्क्स ऑफन शो ए कॉमिक एटीट्यूड टुवार्ड्स द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलाइट ऑफ दैट टाइम। कल मैंने चर्चा की थी ग्रैंड मदर्स हाउस के समय, वर्क्स उनकी साहित्यिक जो रचनाएं हैं वो प्राय एक हास्यप्रद विचार रखती हैं, किसके प्रति, टुवार्ड्स द बिहेवियर, उस व्यवहार के प्रति जो उस समय द एलाइट ऑफ दैट टाइम, उस समय लोगों का जो ग्रुप था, लोगों का जो समुदाय था, उनसे जिस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद थी, उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो उन्हीं के प्रति हास्यप्रद, उन्हीं चीज़ों को हास्यप्रद तरीके से प्रस्तुत करती हैं। इवन हिज सैडेस्ट प्लेज कंटेन ह्यूमर। यहाँ तक कि उनकी जो सबसे उदासी भरे नाटक हैं उनमें भी कुछ ना कुछ ह्यूमर रहता है, हास्य रहता है। हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्निजिबल ह्यूमन वीकनेसेस। उनके जो हास्य हैं, जो हास्यप्रद रचनाएं हैं, वो आधारित होती हैं, बेस्ड होती हैं किस पे, जानी जाने योग्य, पहचानी जाने योग्य मानवीय कमजोरियों पे। हेंस दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन ए सेंसिटिव वे। और इसलिए या अतः वो प्रदर्शित करती हैं, पोर्ट्रे मतलब प्रदर्शित करना, डिपिक्ट मतलब प्रदर्शित करना, शो मतलब प्रदर्शित करना। तो ये क्या करती हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो मानवीय जीवन को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अंकल वान्या। उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, उनमें है अंकल वान्या 1900, द थ्री सिस्टर्स 1901 एंड द चेरी ऑर्चार्ड 1904। उनकी जो महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं हैं उनमें अंकल वान्या है, जिसकी रचना उन्होंने 1900 में की, द थ्री सिस्टर्स 1901 में और चेरी और चार्ड 1904 में। ही हैड ए कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी ड्रामा। और उनका
एक महत्वपूर्ण कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, महत्वपूर्ण प्रभाव था या बहुत प्रभाव था 20वीं सदी के ड्रामा पर। और फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक ये भी प्रसिद्ध अंग्रेजी के विद्वान हैं, लेखक हैं, ड्रामाटिस्ट हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पेड ट्रिब्यूट टू हिम इन हॉट ब्रेक हाउस 1919। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की अपनी एक रचना हॉट ब्रेक हाउस में 1919 में। और उसके बाद अंतिम लाइन है लेखक परिचय में, द प्रेजेंट कॉमेडी ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ओन डिसकम्फर्ट। वर्तमान जो कॉमेडी है शादी का एक प्रस्ताव, वो ऐसे पात्रों को प्रस्तुत करती है जो खुद के लिए ही बेचैनी उत्पन्न करते हैं, खुद से खुद के लिए ही बेचैनी उत्पन्न करते हैं। एंड आफ्टर दैट एज यूजुअल हमेशा की तरह ही वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। और उसके बाद जो पहला डिस्कशन के लिए टॉपिक है या क्वेश्चन है वो है, हाउ आर मैरिजेज सेटल्ड इन योर फैमिली, आपके परिवार में शादियां कैसे तय होती हैं। तो जनरली कोई मेडिएटर होता है हम लोगों की तरफ, तो ऐसा ही चलता है लोकल में या छोटे शहरों में। अब आजकल तो तरह तरह के मैरिजेज का ज़माना हो गया है, अपने पसंद से भी लड़के लड़कियाँ शादी कर रहे हैं। लेकिन जनरली होता है कोई मेडिएटर होता है, उसके बाद शादियाँ अरेंज की जाती हैं। और इन सवालों का जवाब आप लोगों को अपने में डिस्कस करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट डिसाइड द रिलेशन ऑफ ब्राइड्स ग्रूम्स। वो कौन से प्रमुख कारक हैं जो दूल्हे दुल्हन के रिश्ते को तय करते हैं, उनका निर्णय करते हैं। तो जनरली तो आजकल भाई आई एम नॉट प्रोमोटिंग डॉरी सिस्टम, लेकिन आजकल तो पहले पैसे वाली ही बातें हो रही हैं, ज़माने में ऐसा ही चल रहा है। लड़की की शादी करनी है, कहीं पहुँचे तो लड़के वाला लिस्ट लेके तैयार है कि मुझे या उसके माँ बाप ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इतना पैसा चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें आप लोग चर्चा करेंगे आपस में। और उसके बाद हम लोग का लेसन शुरू होता है मैरिज प्रपोजल, शादी का एक प्रस्ताव, और इसके पात्र कौन कौन है, कैरेक्टर्स नाटक में पात्र कौन कौन है, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पहला पात्र है नाटक का वो है स्टीपेनोविच चुबको, थोड़ा सा रशियन नाम है, रूस का नाम है, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो पहला पात्र है स्टीपेनोविच चुबको, जो कि एक जमींदार है, लैंड ओनर है। दूसरी जो नाटक की पात्र है वो नतालिया स्टीपेनोवा है। वो कौन है, वो चुबको की, ही इज 25 ईयर ओल्ड डॉटर, वो चुबको की 25 साल की बेटी है। और तीसरा जो पात्र, यही तीन पात्र हैं नाटक में, इवान वैसिलेविच लोमो है देयर नेबर, ये चुबको लोगों का पड़ोसी है। ए हेल्दी एंड वेल फेड, स्वस्थ है, अच्छा खासा खाता पीता है, बट टेरिबली हिपोकॉन्ड्रियक लैंड ओनर, ये भी जमींदार है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हिपोकॉन्ड्रियक है। हिपोकॉन्ड्रियक वह व्यक्ति होता है जो स्वस्थ रहने के बावजूद खुद को अस्वस्थ समझता है। और ये नाटक के पात्रों का परिचय था। और उसके बाद जो ड्रामे का पहला सीन है वो कहाँ पे शुरू हो रहा है, द एक्शन टेक्स प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ चुबकोज कंट्री हाउस। चुबको का ग्रामीण क्षेत्र में घर है और वहाँ पे उसके ड्राइंग रूम में पहला सीन जो होता है वो शुरू होता है नाटक का। और सीन फर्स्ट, सीन वन शुरू होता है, चुबको एंड लोमो हैं, चुबको और लोमो हैं दोनों, पहले सीन में दिखाई देते हैं पर्दे के सामने मंच पे। द लैटर इंटर्स, बाद वाला प्रवेश करता है, लोमो प्रवेश करता है, वियरिंग टेल्स एंड वाइट ग्लोव्स। टेल मतलब पूंछ भी होती है, लेकिन यहाँ टेल पहने हुए है वो, इसका मतलब है वो घुटने तक लंबा कोट पहने हुए है, घुटने तक लंबे कोट को टेल्स बोला जाता है। और सफ़ेद दस्ताने भी, ग्लोव्स भी उसने पहने हुए हैं। उसके बाद चुबको बोलता है, क्या बोलता है पहले सीन में,
वेट तो चुबुको गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट, आगे बढ़ता है वो अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए। वाई ऑफ ऑल पीपल माय ओल्ड फ्रेंड इवान वैसिलीविच, क्यों सभी लोगों में तुम मेरे पुराने दोस्त इवान वैसिलीविच, हाउ नाइस टू सी यू, कितना अच्छा लगा तुमसे मिल करके, तुम्हें देखना कितना सुखद है। सेक्स हैंड, उससे हाथ मिलाता है। दिस रियली इज ए सरप्राइज ओल्ड बॉय, उसे ओल्ड बॉय कह के संबोधित करता है और कहता है यह वास्तविक में आश्चर्य की बात है। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? लोमो जवाब देता है वेरी वेल, बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू, धन्यवाद आपको। एंड मे आई आस्क हाउ यू आर, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कैसे हैं? चुबुको कहता है नॉट बैड बैड एट ऑल ओल्ड फ्रेंड, फिर से ओल्ड फ्रेंड उसको बोलता है और कहता है कि थोड़ा भी बुरा नहीं हूँ। और विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, तुम्हारे दुआओं और भी बहुत सारी चीज़ों की मदद से मैं बुरा नहीं हूँ। प्लीज हैव ए सीट, कृपया बैठ जाओ। नाउ रियली इट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू नेगलेक्ट योर नेवर्स माई डियर बॉय, फिर उसको माई डियर बॉय मेरे प्यारे लड़के करके संबोधित करता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि तुम अपने पड़ोसियों की उपेक्षा करो, नेगलेक्ट उपेक्षा करना। एंड वाट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर, और तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं, इस तरह से तैयार क्यों हुए हो? मॉर्निंग कोट, ये लंबा कोट घुटने तक वाला पहन रखा है, ग्लोव्स एंड सो ऑन, दस्ताने पहन रखे हैं और भी बहुत कुछ पहन रखा है। आर यू ऑफ ए विजिट ओल्ड बॉय, कहीं जा रहे हो घूमने वगैरह क्या ओल्ड बॉय? लोमो कहता है नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू, नहीं मैं बस आपके पास ही चला आया हूँ ऐसे ही। माई इस्टीम्ड नेवर, मेरे सम्मानित पड़ोसी। चुबुको कहता है बट वाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, दस इजेंट न्यू ईयर्स डे, लेकिन ये मॉर्निंग कोट, ये इस तरह का कोट क्यों पहन रखा है जो घुटने तक लंबा कोट पहन रखा है, ये आज तो कोई नए साल का दिन नहीं है। लोमो कहता है वेल यू सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज टैक्स इज आर्म, देखिए मामले की सच्चाई ये है कि, और फिर चुबुको का बाजू पकड़ लेता है, आई हैव बर्स्ट इन ऑन यू लाइक दिस, मैं अचानक ही आपके पास चला आया हूँ स्टीफेन स्टीफेनोविच माई स्टीम्ड नेवर, मेरे सम्मानित पड़ोसी, इन ऑर्डर टू आस्क ए फेवर ऑफ यू, इसलिए आया हूँ कि आप मेरी मदद कर सकें, मेरा पक्ष ले सकें। आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर मोर देन वंस ऑफ टर्निंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, ओह मेरे पास हमेशा ये सम्मान रहा है, एक बार से ज़्यादा ये सम्मान रहा है कि मैं आपके पास मदद के लिए आऊँ, और आपने अगर मैं कहूँ तो हमेशा, बट फॉरगिव मी, लेकिन क्षमा करिए मुझे, माई नर्व्स, मेरी नसें, मेरी तंत्रिकाएं, जैसा कि वो पात्रों के परिचय में आपको बताया गया है कि वो हिपोकॉन्ड्रियक है लोमो, स्वस्थ रहते हुए भी खुद को अस्वस्थ समझता है, तो अभी उसको नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम, नसों में कुछ प्रॉब्लम समझ में आने लगी, तंत्रिकाओं में कुछ प्रॉब्लम समझ में आने लगी। आई मस्ट हैव ए सीप ऑफ वाटर, मुझे ज़रूर एक घुट पानी पीना चाहिए। डियर स्टीफेन स्टीफेनोविच, प्रिय स्टीफेन स्टीफेनोविच, एंड ड्रिंक सम वाटर, उसके बाद वो कुछ पानी पीता है। चुबुको असाइड, चुबुको किनारे में, उसके सामने नहीं बोलता, साइड से बोलता है, ही इज आफ्टर मनी, वो पैसे के पीछे है, फैट चांस, मोटा मौका है। टू लोमो, लोमो से कहता है व्हाट इज इट माय डियर फेलो, क्या बात है मेरे प्यारे व्यक्ति, और उसके बाद लोमो बोलता है वेल वेल यू सी माय स्टीफेन डियरोविच, माय डियर स्टीफेनोविच, तो पहले उसको स्टीफेन स्टीफेनोविच बोलने की जगह बोल देता है क्या लोमो, माय स्टीफेन डियरोविच, फिर कहता है कि मेरा कहने का मतलब है डियर स्टीफेनोविच, प्रिय स्टीफेनोविच, और
आई मीन माई नर्व्स आर इन टेरिबल कंडीशन, कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि मेरी जो नसें हैं वो भयानक स्थिति में हैं, विच यू योर सेल्फ आर सो काइंड एज टू सी, और जिसे आप इतने दयालु हैं कि खुद से ही देख सकते हैं। इन शॉर्ट यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी, संक्षेप में कहूँ तो आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ऑल दो ऑफकोर्स आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व इट, हालांकि बेशक मैंने ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि मैं आपकी मदद के योग्य हूँ। एंड आई डोंट इवन हैव द राइट टू काउंट ऑन योर हेल्प, और मुझे तो आपकी मदद मांगने का भी हक नहीं है, ऐसा लोमो बोलता है। फिर चुबुको कहता है नाउ नाउ डोंट बीट अबाउट द बूस ओल्ड फ्रेंड, बीट अबाउट द बूस मुहारेदार है बात का बतंगड़ बनाना। चुबुको कहता है कि अरे अरे अब बात का बतंगड़ मत बनाओ ओल्ड फ्रेंड, आउट विद इट, जो भी है उसको बाहर निकालो। वेल ठीक है, लोमो कहता है ऑल राइट हियर यू आर, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर नतालियाज हैंड इन मैरिज। लोमो कहता है कि अच्छा ठीक है तो सुनिए, जो मामले की सच्चाई है वो ये है कि मैं यहाँ पे आपकी बेटी नतालिया का हाथ शादी के लिए मांगने आया हूँ। चुबुको ओवरजॉयड, चुबुको बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। माई डियरेस्ट फ्रेंड इवान वैसेलेविच, मेरे सबसे प्रिय दोस्त इवान वैसेलेविच, कुड यू रिपीट दैट, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। आई एम नॉट श्योर आई हर्ड राइट, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने सही सुना है। लोमो आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, मुझे सम्मान है, मेरे पास सम्मान है मांगने का, ऐसा कुछ कहना चाहता है। चुबुको ब्रेकिंग इन, उसकी बात को बीच में ही काट देता है। माई ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे पुराने और सबसे प्रिय मित्र, आई एम सो डिलाइटेड एंड सो ऑन, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और भी बहुत कुछ हूँ। यस रियली एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, हाँ और उस प्रसन्न होने लायक जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ मैं हूँ। हगिंग एंड किसिंग हिम, उसे गले लगाता है, उसको चूमता है। आई हैव बीन यर्निंग फॉर दिस फॉर एजेस, मैं तो युगों से इसके लिए यर्न तरसना, मैं इस युगों युगों से इसके लिए तरस रहा था। इट हैज़ बीन माई कॉन्स्टेंट डिजायर, यह मेरी निरंतर इच्छा रही है, हमेशा ही मेरी इच्छा रही है। सेड से टीयर, एक आंसू गिराता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक ए सन, और मैंने हमेशा एक बेटे की तरह तुम्हें प्रेम किया है। यू वंडरफुल पर्सन यू, तुम आश्चर्यजनक व्यक्ति तुम। मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस एंड सो ऑन, ईश्वर तुम्हें प्रेम दें, मार्गदर्शन दें और भी बहुत कुछ दें। इट हैज़ बीन माई मोस्ट फर्वेंट विश, ये मेरी तीव्र इच्छा रही है, मेरी गहरी इच्छा रही है, बड़ी इच्छा रही है, फर्वेंट विश कि मतलब तुम नतालिया से शादी करो। बट वाई एम आई स्टैंडिंग हियर लाइक ए ब्लैक ब्लॉक हेड, लेकिन मैं यहाँ किसी मूर्ख की तरह क्यों खड़ा हूँ। आई एम डम्ब स्ट्रक बाई द सीयर जॉय ऑफ इट, मुझे जो बहुत ज़्यादा आनंद मिला है उससे मैं अवाक हो गया हूँ। कम्प्लीटली डम्ब स्ट्रक, मैं बिल्कुल अवाक हो गया हूँ, मुझे मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओ विद ऑल माई हर्ट एंड सोल आई विल गो गेट नताशा एंड सो ऑन, मैं पूरे अपने हृदय से आत्मा से जाता हूँ और नताशा को लेके आता हूँ, नतालिया को लेके आता हूँ। लोमो डीपली मूव्ड, बहुत ज़्यादा भावुक हो गया है। स्टीफन स्टीफेनोविच माई स्टीम्ड फ्रेंड, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी। स्टीफन स्टीफेनोविच मेरे सम्मानित मित्र, क्या आपको लगता है कि वो मुझे स्वीकार करेगी, स्वीकार कर सकती है। चुबको ए हैंडसम डेविल लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक सुंदर शैतान, हाउ कुड सी पॉसिबली रिसिस्ट, संभवतः वो कैसे विरोध कर सकती है। सी इज मैडली इन लव विद यू, डोंट वरी मैडली एंड सो ऑन, वो पागलों जैसे तुमसे प्रेम में है, तुमसे पागलों जैसी प्रेम करती है, डोंट वरी चिंतित न हो, पागलों जैसी और भी बहुत कुछ। आई विल कॉल हर राइट अवे, मैं उसे तुरंत ही वापस बुलाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग के नाटक का पहला सीन ए मैरिज प्रपोजल का खत्म होता है। सीन टू आ रहा है, सीन टू में लोमो अकेले है, एलोन है। और नाटकों में, पहले के नाटकों में ऐसा चलता था, ज़्यादातर शेक्सपियर के ड्रामों में भी चलता था कि नाटक का कोई पात्र अकेले खुद से बात करता है, उसे सोलिलोक्वी कहा जाता है, जब नाटक का कोई पात्र खुद से अकेले में बात करता है। तो वो तो गया है नतालिया का पापा चुबुको उसको बुलाने के लिए, और लोमो अकेले है, वो खुद से बात कर रहा है। क्या कहता है,
इट्स सो कोल्ड, काफ़ी ठंड है, आई एम शेकिंग ऑल ओवर लाइक बिफोर ए फाइनल एग्जाम, मैं पूरी तरह से कांप रहा हूँ वैसे जैसे फाइनल एग्जाम के पहले लोग कांपते हैं, छात्र लोग कांपते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू मेक अप योर माइंड, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि खुद को तैयार करना, खुद के दिमाग को तैयार करना। इफ़ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग और वेवर, टॉक अबाउट इट टू मच एंड वेट फॉर द आइडियल वूमेन और फॉर ट्रू लव, यू विल नेवर मैरी, बर इट्स कोल्ड। कहता है कि यदि तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, भटकोगे, इसके बारे में ज़्यादा बात करोगे, किसी आदर्श महिला का इंतजार करोगे, सच्चे प्रेम का इंतजार करोगे, तुम कभी भी शादी नहीं कर पाओगे। और फिर उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। नतालिया स्टीफेनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नतालिया स्टीफेनोवा एक शानदार गृहिणी है, घर को अच्छे से संभाल सकती है। सी इज़ नॉट बैड लुकिंग, दिखने में भी बुरी नहीं है, एंड सी हैज़ गॉट सम एजुकेशन, उसने कुछ शिक्षा ही प्राप्त की हुई है। वाट मोर कुड आई आस्क फॉर, मैं और ज़्यादा क्या मांग सकता हूँ। ओह आई एम सो नर्वस, अरे मैं बहुत नर्वस हूँ। आई कैन हीयर ए बजिंग इन माई ईयर्स, मैं अपने कानों में कुछ भनभनाहट सुन सकता हूँ। ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पीता है। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड, मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि मैं शादी कर लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम 35 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी, सबसे पहली बात यह है कि मैं 35 साल का हो गया हूँ पहले ही। एंड दैट एज दे से इज ए क्रिटिकल एज, और ये जो उम्र है लोग कहते हैं कि सोचनीय उम्र होती है। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग ए स्टडी एंड रेगुलर लाइफ, और तब मुझे एक निरंतर और नियमित जीवन जीना है। आई हैव गॉट ए हार्ट कंडीशन, मेरे हृदय में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, हिपोकॉन्ड्रियक है, वो आप लोगों को बताया गया है पहले, विद पल्पिटेशंस ऑल द टाइम, जिसमें हमेशा धड़कने होती रहती हैं, हर समय धड़कने होती रहती हैं। अरे भाई सबके हृदय में धड़कने होती रहती हैं, धड़कने नहीं होंगी तो आदमी मर जाएगा। आई हैव गॉट एन ऑफुल टेम्पर, और मेरा टेम्पर भी थोड़ा सा भयानक ही है। आई एम ऑलवेज गेटिंग टेरिबली राउट अप, मैं बहुत ज़्यादा भयंकर ढंग से, भयानक ढंग से उत्तेजित हो जाता हूँ। इवन नाउ माई लिप्स आर ट्रिम्बलिंग, अभी भी मेरे वोट कांप रहे हैं, ट्रिम्बल कांपना, क्विवर कांपना, सेक कांपना। एंड माई राइट आईलिड इज ट्विचिंग, और मेरी जो दाहिनी आईलिड है वो फड़क रही है। बट द वर्स्ट थिंग इज वेन आई ट्राई टू स्लीप, लेकिन सबसे बदतर तब होता है जब मैं सोने का प्रयास करता हूँ। द इंस्टेंट आई गेट टू बेड एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, समथिंग स्टैब्स मी इन माई लेफ्ट साइड, जिस क्षण ही मैं बिस्तर पे जाता हूँ और ऊँगने लगता हूँ, कुछ मुझे चुभता है मेरे बाएं साइड में। ओह एंड इट कट्स राइट थ्रू माई शोल्डर, और फिर वो काटते काटते वहाँ बाएं साइड से मेरे कंधों तक पहुँच जाता है, स्ट्रेट इन टू माई हेड, सीधे मेरे सिर तक पहुँच जाता है। आई जम्प लाइक ए लुनेटिक, मैं किसी पागल की तरह कूदता हूँ, उछलता हूँ। वॉक अबाउट ए लिटिल, थोड़ा बहुत टहलता हूँ। एंड देन आई लाई डाउन अगेन, उसके बाद मैं फिर से लेट जाता हूँ। बट द मोमेंट आई स्टार्ट टू डॉज ऑफ आई फील इट इन माई साइड अगेन, लेकिन जिस क्षण ही मैं उगने लगता हूँ मैं फिर से उसे अपने बगल में महसूस करता हूँ। एंड इट कीप्स ऑन एंड ऑन फॉर द लीस्ट फॉर एट लीस्ट 20 टाइम्स, और जब मैं उगने लगता हूँ तो फिर से मैं उस चुभन को, उस काटने को महसूस करता हूँ, और ये कम से कम चलता रहता है, 20 बार चलता रहता है। इसका मतलब यह है कि बेचारा वो सो ही नहीं पाता है लगता है। और इसके बाद सीन 3 शुरू होता है, नतालिया स्टीफेनोवा एंड लोमो। तीसरे सीन में नतालिया स्टीफेनोवा है, लड़की जो है वो आ गई है, और लोमो है। नतालिया एंटरिंग, आते हुए बोलती है, आह इट्स यू, अरे तुम हो। एंड पापा सेड ए कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज, और पापा ने कहा कि कोई कस्टमर आया हुआ है सामान के लिए। हाउ डू यू डू इवान वैसेलीविच, तो आप लोगों को बता दूं कि अंग्रेजी में हाउ डू यू डू एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाउ डू यू डू ही होता है। जैसे लोग नमस्ते के जवाब में नमस्ते बोलते हैं, सत श्री अकाल के जवाब में सत श्री अकाल बोल देते हैं, गुड मॉर्निंग के जवाब में गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, वैसे ही दो लोग जब जिनमें ज़्यादा परिचय ना हो, थोड़ा बहुत देखा देखी हो, कभी कभार थोड़ी बहुत मुलाकात हो, तो जब मिलते हैं बातें शुरू करने से पहले वो क्या बोलते हैं, हाउ डू यू डू, और उसका जवाब भी क्या होता है, हाउ डू यू डू, जैसा कि यहाँ लोगों ने दिया भी है। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये अभिवादन का वाक्य है, आप ऐसा मान सकते हैं। लोमो, हाउ डू यू डू माई स्टीम नतालिया स्टीफेनोवा,
आप कैसी हैं कसेंस नहीं है, हाउ डू यू डू, वही अभिवादन हुआ। फिर मेरी सम्मानित नतालिया स्टीफेनोवा, नतालिया आई एम सॉरी अबाउट माय एप्रोन एंड नॉट बीइंग ड्रेस्ड, मैं अपने कमरबंद और अच्छे से कपड़े ना पहने होने की वजह से मैं सॉरी हूँ। वी आर सेलिंग पीज फॉर ड्राइंग, हम लोग सूखने के लिए मटर छील रहे हैं। वेयर हैव यू बीन योर सेल्फ, कहाँ से आ रहे हो तुम, हैव ए सीट, बैठ जाओ। दे सीट डाउन, बैठ जाते हैं दोनों। वुड यू लाइक ए बाइट ऑफ लंच, क्या तुम थोड़ा सा लंच लेना पसंद करोगे, चाहोगे। लोमो कहता है थैंक यू सो मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटन, लेकिन मैं पहले ही लंच ले चुका हूँ, खा चुका हूँ। नतालिया वेल देन हैव ए सिगरेट, तो कहती है कि अच्छा तो एक सिगरेट पियो। द मैचेज आर ओवर हियर, माचिस वहाँ पे है, यहाँ पे है। द वेदर इज मैग्निफिसेंट टूडे, आज मौसम शानदार है। बट यस्टरडे इट रेंड सो हार्ड दैट द मैन कुड नॉट डू ए थिंग ऑल डे लॉन्ग, लेकिन कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जो मेरे आदमी लोग हैं, मेरे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो कल पूरा दिन कुछ नहीं कर सके। हाउ मच हे डिड यू गेट डन, कितनी घास कटवा दी है तुमने। कैन यू इमेजिन आई वॉज सो ग्रीडी डैट आई हैड द होल मीडो मोन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं इतनी लालची थी। मीडो मैं मतलब घास का मैदान, मैंने अपने सारा घास का मैदान कटवा दिया है। एंड नाउ आई रिग्रेट इट, और अब मैं इसका अफसोस करती हूँ। आई एम सेक्रेड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्केयर्ड होना चाहिए, भयभीत, मैं डरी हुई हूँ, SCARED होना चाहिए, सेक्रेड मतलब पवित्र होता है। आई एम स्केयर्ड डैट ऑल माई हे मे रॉट, मुझे डर है कि मेरी सभी सारी की सारी घास सूख ना जाए। आई शुड हैव वेटेड, मुझे इंतज़ार करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, लेकिन ये क्या है। आई डू बिलीव यू आर वियरिंग ए मॉर्निंग कोट, मैं विश्वास करती हूँ कि तुमने ये मॉर्निंग कोट पहन रखा है, घुटनों तक लंबा कोट पहन रखा है। हाउ ओरिजिनल, कितना वास्तविक। आर यू गोइंग टू ए बॉल और समथिंग, क्या किसी बॉल मतलब गेंद, लेकिन बॉल मतलब पार्टी भी या डिनर पार्टी, तो क्या किसी पार्टी में जा रहे हो, लंच या डिनर की पार्टी में जा रहे हो, क्या भोज में जा रहे हो कहीं। इंसिडेंटली, संजोगवश, यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम, तुम काफ़ी हैंडसम होते जा रहे हो। बट ऑनेस्टली वाई आर यू ऑल डॉल्ड अप, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो तुम ये तैयार क्यों हुए हो, इस तरह से कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने। और उसके बाद फिर से लोमो नर्वसली नर्वस होता हुआ, यू सी, देखिए माई स्टीम नतालिया स्टीफेनोवा, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी, सच्चाई ये है कि मैंने खुद को तैयार किया, अपने दिमाग को तैयार किया है कि मैं आपसे कहूँ कि आप मेरी बात सुने। नेचुरली यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इवन एंग्री, स्वाभाविक रूप से आप आश्चर्यचकित होंगी और हो सकता है गुस्सा भी हो जाए। बट आई, लेकिन मैं असाइड, किनारे में बोलता है, गॉड इट्स कोल्ड, भगवान ये ठंड है, आज ठंड है। नतालिया व्हाट्स इट, पॉज, वेल, क्या है ये, रुकती है, कहती अच्छा क्या है, क्या बात है। लोमो आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं संक्षेप में कहने का प्रयास करूँगा। यू आर वेल अवेयर माई स्टीम नतालिया स्टीफेनोवा दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, इन फैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली। और नतालिया स्टीफेनोवा, मेरी सम्मानित नतालिया स्टीफेनोवा, लंबे समय से, वास्तविकता में मेरे बचपन से मुझे ये सम्मान मिला है कि मैं आपके परिवार को जानूं। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड हुज इस्टेट एज यू नो आई इनहेरिटेड ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर इन अटमोस्ट इस्टीम, मेरी स्वर्गीय आंटी और उनके जो हस्बैंड थे, जिनका राज, जिनकी संपत्ति मुझे विरासत में मिली हुई है, मैंने इनहेरिट किया हुआ है, उन लोगों ने हमेशा ही तुम्हारे पिताजी को और तुम्हारी स्वर्गीय माँ को काफ़ी सम्मान दिया है। द लोमो फैमिली एंड द चुबुको फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन एक्सट्रीमली फ्रेंडली, वन माइट इवन से इंटीमेट रिलेशंस। लोमो परिवार और जो चुबुको लोगों का परिवार है, उन लोगों ने हमेशा ही अत्यधिक मित्रवत, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि घनिष्ठ संबंधों को मेंटेन किया है, बनाए रखा है। फर्दर मोर, सॉरी वेट, आज की क्लास में यहीं पे रोक रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।